गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल सर्स इंग्लिश एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब वो सारे शब्द होते हैं जिनका अपना कुछ अर्थ है, जो कुल मिला के 13 होते हैं टोटल। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, ought to, need, इस तरीके से अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में यूजेस हम डिस्कस करेंगे। कैन का अपना एक अर्थ है, जैसे कैन को हम अपने एबिलिटी, क्षमता, योग्यता बताने के लिए, कुछ कुछ ऐसे थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं हैं जो होता ही है। यदि मैं लाइट बंद कर दूं तो अंधेरा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट्स ए थ्योरेटिकल कंडीशन। हैबिट बताने के लिए, किसी व्यक्ति के हैबिट को बताने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं, या तो परमिशन के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। परमिशन में जब हम कैन का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम कैन के बदले मे का प्रयोग करें, क्योंकि कैन में सामने वाले को हम सिर्फ अलाउ कर रहे हैं। यू आर अलाउड, मतलब मैं अपनी इच्छा से नहीं, उनको परमिशन नहीं दे रहा हूं। यू आर अलाउड टू गो देयर। तो चलिए डिस्कस करते हैं एबिलिटी यानी क्षमता, योग्यता। आप अपनी योग्यता देख लें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। हिंदी में कर सकता हूं, हिंदी में अगर मैं कैन का अर्थ बताऊं तो मैं कर सकता हूं। तो एबिलिटी बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए, द चाइल्ड कैन स्पीक इंग्लिश, बच्चे की योग्यता है, क्षमता है कि इंग्लिश में बात कर सकता है। सुमन कैन डांस प्रॉपरली, सुमन कैन डांस प्रॉपरली, सुमन का डांस करने की क्षमता है, तो सुमन डांस कर सकती है। हिंदी में अगर मैं चलूं, सकती है। द चाइल्ड कैन स्पीक इंग्लिश, इट कैन बी डार्क, अंधेरा हो सकता है। ये मेरा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है जिसमें संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो यदि हम किसी सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं तो सिद्धांत के ऊपर मैं करूं तो मैं ये हो सकता है, तो यहां पर मैं कैन का यूज कर रहा हूं। ही कैनॉट टेल अ लाई, ये किसी व्यक्ति की हैबिट के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप इसे संभावना भी समझ सकते हैं। ही कैनॉट टेल अ लाई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत ही है झूठ नहीं बोलने का। तो ही कैनॉट टेल अ लाई, इस तरीके से आप इसे समझ लें। परमिशन लेने के लिए, कैन आई टेल यू समथिंग, कैन आई टेल यू समथिंग, ग्रामर में हम कैन का प्रयोग परमिशन के लिए कर सकते हैं, जिसमें यू आर अलाउड, यानी मैं परमिशन लेता हूं। तो ये चार जगह पे हम इसका यूज करें कैन का। हिंदी में सभी का अर्थ सकता हूं निकलेगा। उसी तरीके से हमारा दूसरा जो शब्द है वो है मे। मे का भी मतलब सकता ही सकता है, सकता है जो है दोनों के लिए हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहां पे जो सकता है वो संभावना बताने के लिए है, वो होगा, हो सकता है। सोहम मे कम टूडे, सोहम कल आया नहीं था, आज संभावना है उसके आने की, तो सोहम मे कम टूडे। किसी को अगर मुझे विश करना है, इच्छा व्यक्त करना है, तो मैं कह सकता हूं मे यू लिव लॉन्ग, हम विश व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से परमिशन लेने के लिए भी हम मे का यूज करेंगे। मे आई टेक योर कार, मे आई कम इन, मे आई स्पीक इंग्लिश, मे आई हेल्प यू, आप बिल्कुल मे का प्रयोग परमिशन के लिए कर सकते हैं जब परमिशन आपको लेना है। तो इस तरीके से मैं इस चीज में जोर डालता हूं कि कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए ना किया जाए, मे का प्रयोग किया जाए। और मे का एक यूज ऐसा भी है जो सो दैट या दैट, या जब सो दैट या दैट, यानी कि ताकि का यूज अगर आप इंग्लिश में करें, जैसे उदाहरण देखें, आई एक्सप्लेन ग्रामर सो दैट यू मे अंडरस्टैंड, ताकि आप समझ सकें, मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप समझ सकें। तो ये भी एक तरीके का सो दैट के बाद हम मे का यूज करते हैं। ये रूल में ध्यान दें, दूसरे किसी मॉडल वर्ब का यूज अपन ना करें। इसी तरीके से कैन का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो होगा कुड, और मे का पास्ट फॉर्म माइट होगा। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म हुआ कुड, कुड के यूजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग हम करते हैं। जैसे कुड एक तो कैन का पास्ट फॉर्म है, तो कैन अगर प्रेजेंट टेंस में, अगर कैन का मतलब सकता है तो पास्ट टेंस में कुड का मतलब सका। जैसे ही सेड दैट ही कुड अंडरस्टैंड, सैड था इधर, इसलिए हमने वहां पे कुड लगा दिया कैन के बदले। पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, माय सिस्टर कुड ड्राइव कार,
when she was in school. तो ये स्कूल में थी तब वो चला सकी, तो ये पास्ट की उसकी एबिलिटी को हमने शो किया, माने माय सिस्टर वॉज एबल टू ड्राइव कार. दूसरा हमने लिखा है, पहला यूज है पास्ट एबिलिटी, दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट, तीसरा में है कंडीशनल सेंटेंसेस में, और चौथा जो होगा वो कंडीशनल पॉसिबिलिटी है. दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, हम डिस्कस करते हैं. ही कुड कम यस्टरडे, ये मेरी पास्ट एबिलिटी है. पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड को सेंटेंस के सामने में कर देंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड का प्रयोग अभी तक हमने डिस्कस किया. मे का भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कैन को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कुड को भी आप रिक्वेस्ट में कर सकते हो, और माइट को भी हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं. तो कुड यू प्लीज हेल्प मी, ये भी आप कह सकते हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. इफ आई हैड मनी, ये मेरा चल रहा है कंडीशनल सेंटेंस, यदि मेरे पास पैसे होते तो आई कुड स्टार्ट बिजनेस, मैं बिजनेस स्टार्ट करता या कर सकता था. तो इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट बिजनेस, तो यहां पे ये पास्ट टेंस था पास्ट में, इसलिए हमने कैन का सेकंड फॉर्म में लगाया कंडीशनल सेंटेंस में. कंडीशनल सेंटेंस दरअसल हम इफ लेके चलाएंगे. इफ मधु वर्कड हार्ड, इफ मधु वर्कड हार्ड सी कुड पास द एग्जामिनेशन. ये हमारा कंडीशनल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, यदि वो करी रहती तो पास होती, नहीं करी तो नहीं हो पाई. ये किसी व्यक्ति की पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, यदि वो मेहनत करे होते तो वो परीक्षा में पास हुए होते. माइट का यूज जब हम करेंगे तो मे का ही सेकेंड फॉर्म माइट है, लेकिन मे और माइट में एक बारीकी सी अंतर है, और ये बारीकी ये है कि मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. ये है माइट जो है वो पास्ट ऑफ मे का पास्ट फॉर्म ही है, जैसे ही सेड, यहां पे सेड है तो यहां पे मे का प्रयोग हुआ था, प्रयोग था, इसको हटा के हमने माइट लगाया. ही सेड दैट ही माइट स्पीक इंग्लिश. अब उसी तरीके से लेस पॉसिबिलिटी का मतलब कम संभावना, जिसे हम रिमोट पॉसिबिलिटी भी के नाम से जानते हैं. तो ही माइट बी लेट, वह लेट हो सकता है, बहुत नहीं के बराबर संभावना है. क्यों संभावना है? बिकॉज ही इज पंक्चुअल, समय से आने जाने वाला व्यक्ति है वो. आज मैं अगर कहना चाहूं कि इट माइट रेन टूडे, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, तो आज बारिश होने की कम संभावना है. तो इस तरीके से हमने यहां पे माइट का भी प्रयोग आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं. माइट आई पार्क माय कार हियर, कुड आई पार्क माय कार हियर, कैन आई पार्क माय कार हियर, या मे आई पार्क माय कार हियर, ये चारों का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं. लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हम कुड का प्रयोग करें तो कुड का प्रयोग, इन चारों में कुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा है पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए. लेकिन यदि आप ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं तो ग्रामर में आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा, और सेंटेंस के हिसाब से फिर आपको कैन, मे, कुड और माइट का प्रयोग करना पड़ेगा. इसके बाद जो मॉडल वर्ब होंगे वो होगा विल एंड शैल का प्रयोग. विल एंड शैल का प्रयोग सामान्यतः आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और ही, सी, ईट और जितने भी सिंगुलर नंबर होगा, चाहे वो जो भी सिंगुलर नाउन होगा, वो सब के साथ अब हम विल का प्रयोग करते हैं. तो आई एंड वी के साथ शैल, और जितने भी थर्ड पर्सन है, जैसे यहां पे जो लिखा हुआ ही, सी, ईट और जितने भी सिंगुलर नाउन है, उन सभी के साथ हम प्रयोग करते हैं विल का. अब इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दें और ही, सी, ईट और सिंगुलर के साथ शैल का प्रयोग करें, तो देखिए मीनिंग क्या निकलता है. आई एंड वी के साथ यदि विल का प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब विलिंगनेस, इच्छा. यदि आप अपनी इच्छा बता रहे हैं तो आई विल का प्रयोग करेंगे, आई शैल का यूज नहीं करेंगे. मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं तो आई विल गो देयर, आई विल परचेज, आई विल बाय अ मोबाइल फोन, आई विल रीड रामायण. तो ये मेरी इच्छा है, तो इच्छा बताने के लिए मैं पढ़ूंगा. आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा. प्रॉमिस करने के लिए आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ये मैं वादा करता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं, तो विल का ही प्रयोग करना है. डिटर्मिनेशन, एक अगर आप संकल्प कोई चीज का लेते हैं कि डिटर्मिनेशन अगर आप करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो वी विल लर्न ग्रामर. हम डिटर्मिनेशन लेते हैं, हमारी एक डिटर्मिनेशन है, संकल्प है कि हम ग्रामर सीखेंगे, तो वी विल लर्न ग्रामर. उसी तरीके से शैल का प्रयोग हम उल्टा कर दीजिए, ही, सी, ईट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ कर दें, तो उसके भी मीनिंग में वही अर्थ निकलेगा, जैसे कमांड, थ्रेटेन, धमकी देना, डिटर्मिनेशन, संकल्प, प्रॉमिस करना,
सजेशन, शेल का एक अलग से यूज है जो है सजेशन, बाकी सब वही है. ही शेल कम विथ यू, ही शेल कम विथ यू. आई शेल विजिट योर हाउस. ही शेल कम विथ यू. अब यहां पे जो ही शेल कम विथ यू जो है वह तुम्हारे साथ आएगा, ये हमारा कमांड है. थ्रेटनिंग देना है. द बॉय शेल बी अवॉर्डेड, ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, द बॉय शेल बी अवॉर्डेड, ये हमारे डिटर्मिनेशन है, संकल्प है. यू शेल लर्न इंग्लिश, ये प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन कह लीजिए, प्रॉमिस कह लीजिए, ये हम यूज करेंगे. लेकिन यदि शेल का प्रयोग किसी वाक्य के शुरू में इंट्रोगेटिव के तरीके से अगर किया जाए तो उसे हम सजेशन मान लेते हैं. शेल आई स्विच ऑन द लाइट, शेल आई गो नाउ, शेल आई कम इन योर क्लास, कम टू योर क्लास, शेल आई गो विथ यू. तो इस तरीके से जो शेल का यूज अगर अपन करें तो वो सजेशन के लिए होगा, इंट्रोगेटिव बताने के लिए. इसके बाद जो नेक्स्ट दो बचेंगे वो हमारा शुड, विल का पास्ट फॉर्म चलेगा वुड. ध्यान दीजिएगा, विल का पास्ट टेंस नहीं है, क्योंकि विल फ्यूचर फॉर्म यूज होता है, फ्यूचर का पास्ट टेंस नहीं होता है. तो विल का पास्ट फॉर्म वुड और शेल का पास्ट फॉर्म शुड. तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वुड एंड शुड के बारे में. हमारा नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब्स हैं वो है वुड एंड मस्ट शुड. तीन है हमारे पास, वुड शुड एंड मस्ट. वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के हिसाब से हम करेंगे. ही सेड दैट ही वुड लर्न इंग्लिश, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, पास्ट टेंस के लिए, विल का पास्ट फॉर्म के लिए. और ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू टेल मी योर नेम. कंडीशन सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं, इफ ही हैड कार ही वुड ड्राइव इट. कंडीशनल सेंटेंस में यदि ये पास्ट फॉर्म में है तो ये हम विल के बदले वुड का यूज कर रहे हैं. तो इस तरीके से वुड के तीन, मोस्टली तीन यूजेस हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, कंडीशन और पास्ट फॉर्म ऑफ विल. शुड का मतलब होगा चाहिए. चाहिए जो है वो एक तरीके का ड्यूटी आपका कह लीजिए, मॉरल ऑब्लिगेशन हम कहते हैं, सजेशन कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए आप, या लेस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं. लेस्ट माने ऐसा ना हो कि. तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये मेरा मॉरल ऑब्लिगेशन है, मुझे करना ही चाहिए. ही शुड इंप्रूव हिज लैंग्वेज, उसे अपनी भाषा सुधारनी चाहिए. ये मेरी सजेशन है या एडवाइस है, उसे सुधारनी चाहिए. ही शुड वॉक केयरफुल लेस्ट ही शुड फेल. लेस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे. उसी तरीके से मस्ट का मतलब होगा कंपल्सन. मस्ट के अगर हम ग्रामर बुक में चलें तो मस्ट के बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, और अगर आप ग्रामर बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग 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 रूल दिया हुआ है. हमने क्या किया है, उन सारे रूल का एक निचोड़ निकाल के आपके सामने रख रहे हैं. यदि आप इतने ही रूल को समझ जाएं तो आपको कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में गड़बड़ी आप नहीं करेंगे. कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी है, जरूरी है, ही चाहिए, करना ही है. अगर आप नहीं करेंगे तो उसके कुछ कुप्रभाव आपके सामने होगा. उदाहरण देखिए, वन मस्ट नॉट टेक यू टर्न इन अ बिजी रोड. व्यस्त रोड है, अगर आप यू टर्न लेते हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा. इसलिए यू मस्ट नॉट टेक यू टर्न, ये मेरी कंपल्सन है, नहीं लेना है. वी मस्ट अटेंड द मीटिंग, हमें वो मीटिंग करना ही है, यानी करना ही है मतलब आपको करना ही चाहिए. तो यदि आप अवश्य का यूज करें, अवश्य चाहिए, जहां पे हिंदी में मेरी बात आ रही है, मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो, मुझे अवश्य आसानी से इंग्लिश एक्सप्लेन करने चाहिए, तो आई मस्ट एक्सप्लेन इंग्लिश इजिली. तो इस तरीके से हमने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड तक हम पहुंचे हुए हैं. इसके बाद हमारे पास चार और बच गए हैं मॉडल वर्ब्स, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड एंड डेयर. यूज्ड टू जो होगा वो किसी पास्ट के हैबिट को, आप अपने पास्ट के कोई हैबिट को बताना चाहते हैं, पास्ट में आप करते थे, अभी आप नहीं करते हैं. आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था. दे यूज टू ट्रेवल इन क्राउडेड बस, वे क्राउडेड बस में ट्रेवल करते थे. उसी तरीके से ऑट टू, ऑट टू एक मॉरल ड्यूटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. एक तरीके से अगर मैं कहूं तो शुड का ही एक दूसरा रूप है, जहां पे हम शुड यूज करते हैं, जैसे ड्यूटी में या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में. वी ऑट टू रिस्पेक्ट एवरी वन,
ही ought to come today. और need जो है वो necessary के लिए, आवश्यक बताने के लिए. He need not go there. और dare जो होगा वो साहस बताने के लिए, courage बताने के लिए हम use करेंगे. I dare not insult others. अब यहां पे एक चीज ध्यान दें, need और dare दोनों मुख्य क्रिया भी हैं, principal verb भी है, ये main verb भी हैं. तो यदि मैं main verb के हिसाब से use करूं तो he needs a house. देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कारण हमने नीड में एस लगाया, तो ये हो गया उसे एक घर की, वह एक घर आवश्यक करता है, उसे एक घर की आवश्यकता है, तो ही नीड्स एस लगाया. वैसे है ही डेयर्स, यदि हम यहां पे एस लगा देते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण ही के साथ हमने एस लगाया, तो यहां पे डेयर जो है वो प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब के हिसाब से यूज हुआ है, यहां पे भी एक मेन वर्ब के हिसाब से यूज हुआ है. लेकिन यदि इन दोनों को मॉडल वर्ब के हिसाब से यूज किया जाए तो आप कहीं भी एस एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम कोई भी आईएनजी या ईडी या एस और एस का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से एक हेल्पिंग वर्ब है और उसमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती. तो इस तरीके से आप इन दोनों का अंतर भी समझिएगा. इस तरीके से जो 13 मॉडल वर्ब्स हमने डिस्कस किया था वो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. यदि हमें कहीं पे किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, उसी कमेंट को देख के हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को इंक्लूड कर देंगे, आपके डाउट वाले कुछ क्वेश्चंस ले आएंगे. और ऐसे ही आप ग्रामर समझते चलें, सीखते रहें. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.